रॉयल एनफील्ड ने अपनी दमदार बाइक थंडरबर्ड 500X का ABS वर्जन लॉन्च कर दिया है। रॉयल एनफील्ड थंडरबर्ड 500X ABS की कीमत 2.13 लाख रुपए रखी गई है। यह कीमत थंडरबर्ड 500X के नॉन ABS वर्जन में 14,000 रुपए ज्यादा है। ABS से लेस होने के बाद थंडरबर्ड 500X भारत में रॉयल एनफील्ड की सबसे महंगी सिंगल सिलेंडर बाइक बन गई है। इसमें 499 सीसी एयर कूल्ड सिंगल सिलेंडर इंजन दिया गया है जो 5,250 RPM पर 27.2 HP की पावर और 4,000 RPM पर 41.3 NM टार्क जनरेट करता है। इसका इंजन 5 स्पीड गियरबॉक्स से लैस है। सस्पेंशन की बात करें तो इस दमदार बाइक के फ्रंट में टेलीस्कोपिक फोक्स और रियर में ट्विन शॉक एब्जॉर्ब्स दिए गए हैं। बता दें कि भारत में 1 अप्रैल 2019 से 125 सीसी या उससे अधिक क्षमता वाली बाइक्स में ABS जरूर हो जाएगा। इसी को देखते हुए रॉयल एनफील्ड लगातार अपनी बाइक्स को लेकर ABS से लैस कर रही है। कंपनी ने अगस्त में क्लासिक 350 सीग्रल्स एडिशंस में ABS दिया था। इसके बाद क्लासिक 500 और हिमालय मोटरसाइकिल्स में ABS मिला। रॉयल एनफील्ड दुनिया की सबसे पुरानी मोटरसाइकिल निर्माता कंपनी है। लंबे सफर के दौरान समय समय पर रॉयल एनफील्ड की मोटरसाइकिल में बदलाव भी होते रहे हैं। रॉयल एनफील्ड ने हाल ही में भारत में अपना क्लासिक 350 सीग्रल्स एडिशन लॉन्च कर दिया है। यह रॉयल एनफील्ड की पहली मोटरसाइकिल है जो ड्यूअल चैनल ABS के साथ आती है। नए पैरेलल ट्विन इंजन के साथ 650 सीसी रॉयल एनफील्ड्स में नया 6 स्पीड गियरबॉक्स मिलेगा। 650 सीसी वाली दोनों नई बाइक्स में रॉयल एनफील्ड स्लीपर क्लच भी देना शुरू कर रही है। रॉयल एनफील्ड ने हिमालय में लगने वाले 411 सीसी और 500 सीसी सिंगल सिलेंडर इंजन में फ्यूल इंजेक्शन दिया है। यह रॉयल एनफील्ड के मॉडर्न होने का बड़ा संकेत है। फ्रंट व्हील में डिस्क ब्रेक भारत में आम बात है, लेकिन रियर डिस्क ब्रेस केवल परफॉर्मेंस ओरिएंटेड बाइक्स में दी जाती है।